नमस्कार, मैं हूं अमलेंद्र कुमार सिंह। आप देख रहे हैं चुनाव विशेष कार्यक्रम चुनाव 2019। लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी रण शुरू हो चुका है। अब सियासी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए हर कोशिश कर रही हैं। राजनेता जनता के बीच जा जाकर नए वादे, नई नई सौगात दे रहे हैं। देश के कोने कोने में चुनाव की रणनीति तय हो रही है। कहीं गठबंधन बन रहा है तो कहीं गठबंधन की उम्मीदें टूट रही हैं। बयानबाजी और नेताओं पर तंज कसने की सियासत भी तेज है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव 2019 का रण दिलचस्प होने वाला है। चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, इस जोर आजमाइश के बीच सियासी अखाड़ों में कौन मारेगा बाजी, कौन होगा चित, ये देश की जनता तय करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा बीजेपी उत्तर भारत में कमजोरी की पूरा करने के लिए दक्षिण का रुख कर रही है। पार्टी दक्षिण के राज्यों में पैठ बनाने में जुटी है। पार्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ कर 2019 आम चुनाव में दोबारा राज तिलक करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही हफ्ते शेष हैं। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी यहां एक और बार मोदी सरकार के नारे के साथ मैदान में उतर रही है। वहीं कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ अपने पुराने दिनों की वापसी की उम्मीद में गम टोके हुए हैं। इसके अलावा ऐसे दल भी जो न तो एनडीए में हैं और न ही यूपीए में, ये दल जनता को तीसरा विकल्प देने के नाम पर एग्जिट हो रहे हैं। साउथ मिशन पर पीएम मोदी, उत्तर का नुकसान दक्षिण करेगा पूरा। साउथ में सहयोगियों को साध रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले हर सियासी पार्टी अपने कुंबे को बड़ा करने में लगी है। सत्ता में वापसी की तलाश में धुर विरोधी भी एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। 2019 आम चुनाव में बड़ी जीत की तलाश में बीजेपी और कांग्रेस इन दिनों अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। पीएम मोदी जहां दक्षिण के लिए अपना पिटारा खोल रहे, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एनडीए विरोधी पार्टियों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पीएम मोदी कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए खजाना खोलकर एआईएडीएमके को खुश करके दक्षिण में विस्तार करना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी कर्नाटक में जेडीएस के सहारे खुद का कद मजबूत करने में लगे हैं। 2019 के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत की चाहत में बीजेपी ने अब उत्तर भारत के साथ दक्षिण में सियासी कूच कर दिया है। बीजेपी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में तेजी से विस्तार करने में लगी है। बीजेपी अपने सहयोगियों के जरिए बहुमत के जादुई आंकड़े को पाना चाहती है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस की गठजोड़ सरकार को मजबूर गठबंधन करार दिया। कर्नाटक के विकास से जुड़ी जिन परियोजनाओं को बरसों तक लटकाया था, उनको हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन दशकों के इंतजार के बाद हमारी सरकार ने ही इसको समर्पित किया। इसी तरह चितापुर से यदगिरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हो या फिर महाराष्ट्र बॉर्डर से बीदर वाला सेक्शन हो, ऐसे कई नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। गुलबर्गा के सीवेज सिस्टम, यहां के पार्कों की सुंदरता को निखारने के लिए अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद दे रही है। 56 सुनते ही कांग्रेस वालों की नींद खराब हो जाती है। भ्रष्टाचार के सहारे पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम ने कहा,
कि कर्नाटक में विकास की गति को विस्तार देते हुए आज लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने मैं आपके पास आया हूँ। वो ना तो पाकिस्तान से डरते हैं और ना ही भ्रष्टाचारियों से। पीएम ने कहा, जनधन अकाउंट, आधार नंबर और आपके मोबाइल ने एक ऐसी त्रिशक्ति का निर्माण किया है कि इनके लिए भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। मुर्गी के साथ साथ पूरे कर्नाटक की स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज हेल्थ से जुड़े 2 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुबली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में राज्य को एक बहुत बड़ी सौगात आज यहीं से मिली है। दक्षिण भारत में पीएम मोदी की इस मेहरबानी को सियासी पंडित दूसरे चश्मे से देख रहे बीजेपी के ही कई नेता ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 2014 में मिली सफलता को दोहरा पाना कठिन होगा, यानी हिंदी क्षेत्र में उन्हें 2014 की तरह सफलता नहीं मिलेगी तो लाजमी है सीटों की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में उनकी निगाहें दक्षिण भारत पर टिकी हैं। दक्षिण भारत में लोकसभा की 129 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। यही वजह है कि पीएम मोदी दक्षिण के दलों को एनडीए में शामिल कर दोबारा सत्ता में बने रहने के रास्ते तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं क्या दक्षिण भारत के 5 राज्यों का समीकरण है, किस राज्य में कितनी सीट है, लोकसभा सीटों में से पिछली बार किसके पास कितनी सीटें थीं, लोकसभा की सीटों में से पिछली बार किसने कितनी सीटें जीती थी। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने 17 लोकसभा की सीटें पिछली बार जीती थी, तो 2014 में कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटें कर्नाटक में जीती थी। जेडीएस की अगर बात करें तो 2014 में 2 सीटों पर जेडीएस की जीत हुई थी। कुल मिलाकर के 28 सीटें लोकसभा की हैं जिन पर निगाहें तमाम राजनीतिक दलों की हैं। तो कर्नाटक के चुनावी समीकरण आपके टीवी स्क्रीन पर है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, लोकसभा की 39 सीटें तमिलनाडु की, और इन 39 सीटों में से अगर हम बात करें 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां पर जयललिता का ही जादू चला। 2014 के लोकसभा चुनाव में AIADMK अकेले मैदान में उतरी थी और 39 सीटों में से AIADMK ने 37 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट PMK और 1 BJP के खाते में आई थी। इस बार समीकरण कितने बदले हैं ये जनता तय करेगी। वहीं कांग्रेस और DMK का खाता भी पिछली बार नहीं खुला था और जयललिता के निधन के बाद से AIADMK की जो स्थिति है वो थोड़ी ज़रूर कमज़ोर हुई है। 2019 में AIADMK की सीटें घटने का अनुमान है और DMK ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। ये गठबंधन कितना रास आता है जनता को, इस पर जनता अपनी राय जरूर देगी। वहीं मक्कल निधि मध्यम पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो सुपरस्टार रजनीकांत ने 2019 का चुनाव लड़ने से मना किया है। 2019 के चुनाव की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की है, जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन सहयोगियों का साथ मिलने से बीजेपी कांग्रेस में बड़ी टक्कर इस बार मानी जा रही है। तो ये
तमिलनाडु के चुनावी समीकरण थे जिनको आपने देखा, और अब हम बात करेंगे केरल के चुनावी समीकरणों की। तो केरल में लोकसभा सीटें अगर हम देखें तो 20 लोकसभा की सीटें केरल राज्य से होती हैं, जहां पर 2014 में केरल में कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीपीएम ने केरल में 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, और मुस्लिम लीग की बात करें तो 2 सीटों पर मुस्लिम लीग ने भी अपनी जीत दर्ज करवाई थी। केरल में 2 निर्दलीय, 1 आरएसपी, 1 केरल कांग्रेस ने सीट यहां से निकाली थी। कुल 20 सीटों में से जो चुनावी गणित है, जो समीकरण है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए अब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का चुनावी गणित क्या कुछ है, वहां के समीकरण क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 20 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार के चुनाव की बात करें तो 20 लोकसभा सीटों में से अमलापुरम, अनकापल्ली, अनंतपुर पर TDYP और अराकू, कुर्नूल, नादियान लोकसभा सीट पर YSR कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी, और कुछ सीटों पर TDP ने भी कब्जा किया था। तो साथ ही साथ मछलीपत्तम और नरसारा ओपेट पर भी TDP ने कब्जा जमाया था। नरसापुरम, विशाखापट्टनम लोकसभा सीट BJP ने जीती थी। 2 सीटें यहां से BJP के खाते में आई थी। विजयनगरम सीट भी TDP के पास रही पिछली बार। कुल मिलाकर के 20 लोकसभा सीटों का जो सियासी गणित है आंध्र प्रदेश का, वो आपने देखा। तो आंध्र प्रदेश के चुनावी समीकरण आपकी टीवी स्क्रीन पर। TDYP ने जिन सीटों पर कब्जा किया उनमें अमलापुरम भी है, और साथ ही साथ YSR कांग्रेस की अगर हम बात करें, अराकू, कुर्नूल, नांदियाल लोकसभा सीटों पर इनका कब्जा रहा, जीत हासिल हुई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में यह लगभग तय हो रहा है कि अब ये मामला एक बार फिर मध्यस्थता की ओर जा रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में बनी पीठ ने पक्षकारों से मध्यस्थता के नाम देने को कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कुछ पक्षकारों ने मध्यस्थता का विरोध किया तो कुछ ने पक्ष भी रखा। हालांकि अब अयोध्या विवाद केस में हिंदू महासभा मध्यस्थता पर असहमति जाहिर करने के बाद बातचीत के लिए तैयार हो गया है। अयोध्या विवाद में मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने सुनी सभी पक्षों की दलीलें। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द फैसला देने की जताई इच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थों का नाम सुझा सकती है पार्टियां। राजनीतिक रूप में संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में मध्यस्थता की गुंजाइश अब भी दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले के अस्थायी समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी में मध्यस्थता का फैसला सुरक्षित रखा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने साफ कहा कि हम अयोध्या जमीन विवाद और इसके प्रभाव को गंभीरता से समझते हैं और जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं। बेंच ने आगे कहा कि अगर पार्टियां मध्यस्थों का नाम सुझाना चाहती हैं, तो सुझा सकती हैं। वही हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में ही क्लियर स्टैंड रखते हुए मध्यस्थता को लेकर असहमति जाहिर की है। महासभा का कहना है कि जिस जमीन पर विवाद चल रहा है वो भगवान राम की जमीन है और उस पर दूसरे पक्ष का हक नहीं है, इसलिए इसे मध्यस्थता के लिए न भेजा जाए। रामलला विराजमान का भी कहना था कि मध्यस्थता से मामले का हल नहीं निकल सकता है। हालांकि निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता का पक्ष लिया है। भाई, हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे, लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें, जो हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान में एक ये राजनीति ऐसी हो चुकी है कि इसे पूरा हिंदुस्तान को लोगों को परेशान किए हुए है,
हिंदुस्तान में एक ऐसा ये मसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है कि पूरा देश इसमें उलझा हुआ है। ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट कह रहा है तो मध्यस्थता करता है, तो कोर्ट जब सुरक्षित रख लिया, किसको किसके माध्यम से मध्यस्थता करने के बात सोचा है, कैसे कोर्ट में कागज कैसे जाएगा जी? तो कैसे आप लोग इसकी रणनीति तैयार करेंगे? इसका रणनीति हनुमान जी तैयार करी है जी, और जौन होगा तौन होगा, लेकिन कोर्ट में इसको संजीदगी से काम करना चाहिए। कोर्ट इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द इसको सुनवाई में लगना चाहिए। लेकिन वो आप ही लोग पे छोड़ रही है, तो हमरे पे छोड़ रही है, तो हम लोग पक्षकार लोग ही बैठ के इस मामले, तो पक्षकार लोगों पर छोड़ दे पूरा, अब पक्षकार को पूरा प्रोटेक्शन दे, कितना लोग से बात होगा ये भी देख ले। देशता के जो अब तो कोई कुछ गुंजाइश ही नहीं रहा, राइट? दैट इज व्हाट दे सेड, दैट द बॉबडे जस्टिस बॉबडे करेक्टली ऑब्जर्व, वी मे डिसाइड, जस्ट अ मिनट आई विल टेल यू, देयर इज व्हाट हैपेंड इज दैट द इश्यू इज वेरी क्लियर, दैट द इश्यू ऑफ फेथ इज क्रॉस एंड क्रॉस ऑफ पीपल, नॉट वन और टू डिसअपीयर। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ये मामला भावनाओं और विश्वास के टकराव का है, दिल और दिमाग को पाटने का सवाल है, हमें गंभीरता का पता है और हम आगे मामले को देख रहे हैं। जस्टिस बोबड़े ने आगे कहा कि आपसी बातचीत से मामले का समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जमीन का नहीं, दिल दिमाग और भावनाओं से जुड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस बात का फैसला करेगा कि समय बचाने के लिए केस को कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है या नहीं। मध्यस्थता पर हुई सुनवाई, जस्टिस बोबड़े ने कहा मामला भावनाओं और विश्वास के टकराव का है, दिल और दिमाग को पाटने का सवाल है, हमें गंभीरता का पता है और हम आगे मामले को देख रहे हैं। जस्टिस बोबड़े बोले आपसी बातचीत से समाधान निकलना चाहिए, ये सिर्फ जमीन का नहीं, दिल दिमाग और भावनाओं से जुड़ा मसला है। मध्यस्थता के लिए केस को कोर्ट की निगरानी में भेजने का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इतना ही नहीं, जब हिंदू महासभा ने अपना पक्ष रखते हुए मध्यस्थता का विरोध किया तो बाबर का जिक्र करने पर जस्टिस A.S. बोबड़े ने कहा अतीत में क्या हुआ उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम मौजूदा विवाद के बारे में जानते हैं, हमें सिर्फ विवाद के निपटारे की चिंता है। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी है, अब देखना होगा कि इस चुनावी माहौल में अयोध्या मसले का क्या कुछ हल निकलेगा या अभी वक्त और लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता ने मुस्लिम धर्म गुरु खालिद राजदी फिरंगी महली से खास बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त खालिद रशीद फिरंगी महल मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट में, उसमें कहा गया है कि मीडिएशन होना चाहिए, मध्यस्थता की बात की गई है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी मुतवल्ली हैं इस केस में वो सभी अपने अपने एक नुमाइंदे जो है वो सेलेक्ट कर लें और कोर्ट को बताएं। आपको क्या लगता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है? शुरू से हम लोग का ये स्टांस है कि सिलसिले में जो भी कोर्ट कहेगा वो हम लोग काबिल कबूल, अगर इसमें कोर्ट की तरफ से बातचीत की बात आ रही है तो उसको हम लोग वेलकम करते हैं। तो अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा उसमें सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, नहीं बातचीत होगी उसमें क्या आगे होता है ये वक्त बता। सर कैमरे को भी कहा गया है कि कैमरे की नजर में हो, नहीं वो खामोशी के साथ हो विदाउट एनी पब्लिसिटी, ठीक है? तो यहाँ पे खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी साफ किया है कि खामोशी के साथ हो, प्रोपेगेंडा ना बनाया जाए और अच्छे से इसके बीच में इस पूरे केस में मध्यस्थता हो और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। ये मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी यही चाहता है और जो मुस्लिम काज या कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ वंडित गुप्ता, इंडिया न्यूज। शहरी गैस वितरण परियोजना का शुभारंभ करने कानपुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राम मंदिर पर साध्वी ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है तो उसमें जरूर कुछ न कुछ फैसला होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर होने के सबूत हैं। उन्होंने यहां तक कहा अयोध्या में रामलला पैदा हुए इसके सबूत हैं और न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है, इसलिए कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। निरंजना ज्योति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
राम मंदिर पर साध्वी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फैसला होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर होने के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए इसके सबूत हैं। क्योंकि हम लोग संविधान और न्यायालय पर विश्वास करते हैं और मुझे लग रहा है कि कोर्ट ने उसको सुरक्षित रखा है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें फैसला होगा, क्योंकि सबूत पूरे राम मंदिर होने के हैं, सबूत वहाँ पूरे रामलला पैदा हुए हैं वह सबूत हैं और कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है। इसलिए हमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि कोर्ट के सामने पूरे सबूत हैं। कोर्ट की ओर से मध्यस्थता को लेकर के अपना फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा है कि वो अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं मध्यस्थता के लिए उनके नाम सुझाएं, क्योंकि कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है। बसपा के लोगों को लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार सामग्री छपवाने और उसे लगाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। होल्डिंग और बैनर पर फिर अन्य किसी तरह की प्रचार सामग्री में मायावती के बराबर तस्वीर छपवाने वाले अब सीधे पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। बसपा लखनऊ मंडल के सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए। चुनाव के लिए बीएसपी ने कसी कमर, मायावती ने कार्यकर्ताओं को दिया आदेश। मायावती के फोटो से बड़ा फोटो लगाने की मनाही, नेताओं को बहन जी से नीचे कद रखने का आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। सियासी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हैं। नेता सड़कों और गलियों की खाक छान रहे हैं। वोटरों को लुभाने के अलावा पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को जनता के पास जाने को कह रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। सपा के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रही बीएसपी ने फरमान जारी कर कहा है कि पार्टी कोई भी प्रत्याशी या नेता होर्डिंग या बैनर में पार्टी सुप्रीमो मायावती के बराबर फोटो नहीं लगा सकेगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बीएसपी के किसी भी प्रत्याशी या नेता को अब होर्डिंग लगाने से पहले उसे बीएसपी प्रभारियों से पास भी कराना होगा। पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर मंगलवार को इसी तरह की बैठक प्रदेश के सभी मंडलों में नवनियुक्त मंडल जोन इंचार्जों की मौजूदगी में हुई। पार्टी के पुराने नेताओं को तो बीएसपी की रीति नीति होर्डिंग बैनर लगाने का तौर तरीका पता है, लेकिन चुनाव के मौके पर तमाम जगह समर्थक और पार्टी में आए नए नेता अपने हिसाब से होर्डिंग्स में महापुरुषों और बीएसपी अध्यक्ष के बराबर या उनसे भी बड़ी अपनी फोटो लगा देते हैं। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि कोई भी नेता मायावती के सामने उनके बराबर में कोई भी फोटो नहीं लगा सकता। पार्टी सुप्रीमो मायावती के सामने पार्टी संस्थापक कांशीराम या फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की तस्वीर ही लगाई जा सकती है। पार्टी के आदेश में साफ कर दिया गया है कि बैनर होर्डिंग्स के ऊपरी हिस्से पर महापुरुषों की फोटो लगेगी और नीचे की तरफ होर्डिंग्स लगवाने वालों की तस्वीर होगी। साथ ही इसके लिए होर्डिंग बनवाने वालों को पहले पार्टी से इजाजत लेनी होगी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से अपनी वापसी की आस लगाए रखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। मायावती या पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर इसे अनुशासनहीनता की तरह माना है। राज्य की राजनीति में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाए जाने का प्रचलन रहा है। कई क्षेत्रीय नेता इन होर्डिंग्स के सहारे खुद को पार्टी के शीर्ष नेताओं के करीबी होने का दावा करते हैं, जिसे पार्टी काफी गंभीर मानती है। यही वजह है कि पार्टी ने अब सभी नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे पार्टी में मायावती का कद और दूसरे नेताओं का कद समझा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। इस बार सिद्धारमैया के माथे पर भस्म और तिलक लगाने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों से बहुत डरता हूं जो कुमकुम या भस्म का लंबा टीका लगाते हैं। सोशल मीडिया पर सिद्धारमैया के इस बयान पर खूब प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने राहुल गांधी की टीका के साथ फोटो शेयर करते हुए पूर्व सीएम को घेरने की कोशिश भी की। आम चुनाव से पहले नेताओं के जहरीले बोल, कांग्रेस नेता को लंबे टीके से लगता है डर, माथे पर लगी भस्म से डरे से धर्मैया। आम चुनाव की आहट के साथ ही नेताओं की जहरीली जुबान खुलने लगी है। विवादित बयान देकर राजनीति चमकाने वाले नेता एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं, जिसे सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपने विवादों से बयान खड़ा करने वाले कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें वैसे लोगों से डर लगता है जो अपने माथे पर लंबा टीका लगाते हैं। मैं वैसे लोगों से डरा हुआ हूँ जो अपने माथे पर कुमकुम या भस्म का लंबा टीका लगाते हैं। सिद्धारमैया का यह बयान बादामी में एक कार्यक्रम के दौरान सामने आया है। सोशल मीडिया पर सिद्धारमैया के इस बयान पर खूब प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने राहुल गांधी के टीके के साथ फोटो शेयर करते हुए पूर्व सीएम को घेरने की कोशिश की, तो कुछ लोग इसे नई तरह की सियासत बता रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया के इस बयान ने राहुल गांधी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी चुनाव के दौरान मंदिरों और मठों में माथा टेक कर खुद को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बनाने में लगे हुए हैं। वैसे सिद्धारमैया का ये कोई पहला बयान नहीं है। पिछले महीने ही एक जनसंवाद कार्यक्रम में सिद्धारमैया द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने की मांग भी की थी। कार्यक्रम के दौरान ये महिला पूर्व सीएम के पास शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की सिद्धारमैया भड़क गए और महिला के हाथ से माइक छीन लिया। इस बीच सिद्धारमैया ने महिला से अभद्रता की और फिर उन पर चिल्लाते हुए बैठने को कहा था। उस वक्त भी सिद्धारमैया की काफी फजीहत हुई थी। ऐसे में तिलक और भभूत पर दिया गया उनका बयान कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कितना मुश्किल खड़ी करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सिद्धारमैया के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटने के बाद से सूबे की बागडोर राज्यपाल के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि विधानसभा भंग होने के बाद नया चुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है, तो ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में टीम ने जम्मू कश्मीर में सभी दलों के साथ मिलकर बातचीत कर एक साथ संभावनाओं को टटोला है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर से सभी सियासी दलों से सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने सियासी दलों से की बातचीत, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात। जम्मू कश्मीर पर सभी दलों ने जताई सहमति। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। जहां एक तरफ नेताओं के दौरे जारी हैं, तो चुनाव आयोग भी एक्टिव है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं ढूंढने में निकली है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं ढूंढने में निकले। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के सियासी दलों से बातचीत की। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल राज्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने पर सहमत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में टीम दो दिनों के दौरे पर सोमवार को जम्मू कश्मीर पहुंची थी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम ने अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया। इन दलों में कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, माकपा और नेशनल पैंथर्स पार्टी समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इन सभी दलों ने चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास व्यक्त किया और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक समय में कराने के लिए सहमति जताई। गौरतलब है कि अप्रैल मई महीने में देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावनाएं दिखने लगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि विधानसभा भंग होने के बाद नया चुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मामले में ये समय सीमा मई 2019 में खत्म हो रही है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की संभावना तलाशी जा रही है। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं। यहां सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी में है। आगे देखना होगा कि कौन सी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना कारनामा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।